आज की कहानी में एक बछड़ा है, थोड़ा सा डांस और मेरी विंटेज कैसी हो, बहुत इम्पोर्टेंट। और हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, एक्टिंग हो रही। ईद मुबारक। और सुनाओ भाई, कैसी गुजरी? आई नो आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, फैमिलीज आई होंगी, बहुत बिजी होंगे, बहुत खा पिया होगा, शुगर हुए होंगे, है ना? एज सच तो आई थिंक कुछ नहीं किया मैंने, तीनों दिन जाए हुए अपार्ट फ्रॉम वन डे। लेकिन एक काम मैंने किया जो सब एक्टर करते हैं, बहुत जरूरी काम। एक्टर्स की जो ईद होती है ना, वो एक पिक्चर की होती है, सिर्फ एक पिक्चर। पूरी ईद उसी के पे घूमती, वही होता है जिंदगी का मकसद। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, गर्मी में वेस्टकोट पहन घर की एक आला लोकेशन देखी और धंधे पे लगे। मेरी भी ऐसी ही, देखो कैसे होता है। आ गया ईद का दूसरा दिन, लोग गैस करना चाहते हैं तो कर ले। सोचे मैंने क्या किया, दिखाओ। देख, गुड मॉर्निंग। जब तक मैं अपने डिप्स लगाता हूँ और बैक रोल करता हूँ, तुम लोग ये फुटेज देखो। हेडफोन्स पहनो, म्यूजिक बहुत आ रहा है। बहुत मुश्किल से सवाल आ गए, बिकॉज स्टेमिना और बॉडी बहुत बेवफा है। जो जिम जाता है उसे पता है, लेकिन सौ को देखिए, क्योंकि आफ्टर टू डेज ब्रेक था, अब ये करूँगा कि कुछ नहीं खाऊँगा। और जो जो लड़के हैं जिन्होंने अभी वापस जिम जाना शुरू करना है कल से या परसों से, मेरा सजेशन है कि एक दिन भूखा रह लो, सवाब समझ के नहीं खाते सुबह दोपहर शाम, जब तक भूख नहीं लगेगी। मैं भी कुछ नहीं खाऊँगा। आई हैड वन कॉफ़ी, जो अपना काम करेगी, फ्री का बनर है, अल्लाह ताला ने बनाया था, सस्ता मिलता है, तो पिया करो मन के। आगे चलते हैं। हम लोग सोच रहे होंगे कि उस बछड़े का क्या सही है। We'll be right back.